गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो ये मैंने मंगाया है अमेजोन से एक प्लास्टिक कंटेनर्स। तो मुझे स्पेशली जो चाहिए होते हैं वो चाहिए थे डिश वॉशर फ्रेंडली। तो ये रहा, इस पर 6 कंटेनर आए थे 499 के। तो 83 के आसपास मेरे को एक कंटेनर पड़ा है। और इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें ये क्लेम करते हैं कि 1200 यानी कि 1200 ml तक का सामान इसमें आ जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स 1 kg का आइटम इसमें आ जाना चाहिए। ये रहा, तो इसने कहा है कि काफ़ी अच्छा डिस्पोजल फ्रेंडली है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें कही गई है। तो टोटल इसमें पीसेस जो मुझे मिले हैं वो मिले हैं 6 या भी 5 आपको दिखेंगे, बिकॉज इसको मैंने डिस्पोजल में डाल दिया है जस्ट टू चेक कि वो कितना अच्छा उसने काम किया है या फिर नहीं। तो ये रहा, कंटेनर्स कुछ इस तरीके के हैं। तो चेक भी करेंगे कि 500 ml आता है कि नहीं आता है। सो ये रहा, ओपन इसको यहाँ से करेंगे ऐसे। तो इस तरीके की मेरे पास ऑलरेडी कंटेनर है जो कि डिशवॉशर में धुल जाते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही था क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो ये रहा, सो डिशवॉशर बंद होने वाला होगा, तो चलिए देखते हैं कि कितना डिशवॉशर में उसने ख़राब किया या फिर सही किया। ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं डिशवॉशर बंद हो गया और उसमें कोई भी एडिटिंग वाली चीज़ नहीं है। तो उसमें जो सामान पहले से था वो पहले से ही है। तो वो रहा कंटेनर, इतने ही इसमें डिशवॉशर में बर्तन धुले हैं। और इसका डब्बा बन गया पूरा, क्योंकि मुझे जो आजकल सामान चाहिए होता वो चाहिए होता डिशवॉशर फ्रेंडली। तो देख सकते हैं ये तो कहीं से भी पिघला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर गर्म है ये। थोड़ा सा मैं इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी मेरे को वैसी लगी, एकदम गर्म कर रहा है, पिघल सा लग रहा है, लेकिन ओवर नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है। और इसका जो कंटेनर है जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, जो कि अभी तक तो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ये रहा, अब इसमें हम ट्राई करेंगे देख के कि कितने केजी का ये झेल पाता है, 500 ml या फिर आधा केजी का जो भी आइटम होते हैं वो इसमें आ पाता है नहीं आता है, या 1 kg का आ पाता है नहीं आ पाता है, क्योंकि 1200 ml की बात हो रही है। सो देखिए डिशवॉशर में तो बहुत अच्छा इसमें धो के दिया है, कहीं से पिघला नहीं है। सो काफ़ी अच्छा है, एज़ पर डिशवॉशर फ्रेंडली तो है ये। तो कुछ नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी इसी वीडियो में अटैच कर दूँगी, दिखाऊंगी आपको कि जब भी एक्चुअली सूख जाएगा तो इसी में दिखाऊंगी कि आधा के जी इसमें आता है सामान या फिर 1 kg आता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। देख रहे हैं ये है 1 kg के बाद, ये रहा इसका कंटेनर जो कि अच्छे से सूख गया है। तो हम इसमें ट्राई करेंगे कि इसमें जा पाता है या फिर नहीं। तो ये रहा, इसे मैंने ओपन कर दिया है। ज़्यादा नहीं,